देखते हैं कैसा हो गया हमारे आमले पके या नहीं पके। देखिए हमारे आमले ऐसे हो चुके हैं, तो अभी हाथों हाथों ऐसे होंगे नहीं, तो ये जब रखे अगले दिन होते हैं रेडी, तो हम आप जैसे भी आपको बाउल में निकाल के दिखाएंगे। अभी और पकने देते हैं, देखिए कैसे हैं आमले। तो हम अभी से बाउल में निकाल लेते हैं, तो ये भी ऐसे रहेगा, तो क्या हाथों हाथ है नीचे। तो ये देखिए हमारा आमला क्या है, आमले का मुरब्बा बनकर रेडी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं आमले का मुरब्बा। देखिए फ्रेंड्स ये है आमले, हमने भिगोने रख दी थी रात, तो अब हम इन्हें निकाल के सुखा लेते हैं, फिर इनमें छेद करते हैं और फिर इस बर्तन में डालेंगे हम, इसमें भगोने में उबालेंगे तो इसमें डालेंगे। तो प्लीज बने रहे ब्लॉग में, देखना कैसे बनाते हैं, सिंपल इजी मेथड से बनाएंगे, तो प्लीज बने रहें। और इसमें छेद कर लेते हैं। हमारे पास कांटा नहीं है चाउमीन खाने वाले में, तो हम इसे छीलन से कर लेते हैं, ऐसे सारे में कर लेना चाहिए, फिर इन्हें उबालेंगे पानी में, फिर पक्खर में पकाएंगे, चीनी में पका देंगे सिंपल से। अच्छे से कर लेंगे, तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने अच्छे से सारे छेद कर लिए सारों में, तो अब हम उबालने रखते हैं, सारों में अच्छे से छेद कर लिए, तो हम उबालेंगे ना, रखते हैं गैस पे। ये देखिए सारे हमने अच्छे से छेद कर लिए हैं, क्योंकि ये थोड़ी बहुत है, क्योंकि दो तीन दिन हो गए हैं आमले को लाए हैं, तो थोड़े अजीब से हो गए हैं, तो हम इन्हें उबलने रखते हैं, वैसे साफ हैं, पानी सारे निकाल लिए हैं, अब जा रहे हैं उबालने के लिए। अब रख देते हैं उबालने के लिए, हमने देखिए गैस पे जला दी है, अब रखते हैं। देखिए अब हमने इसे उबालने रख दिया है, अब डालेंगे पानी, अब डालेंगे एक जग पानी आमले को जाकर उसके हिसाब से, और इन्हें उबलने देते हैं। अब इन्हें कम आंच पे उबलने देते हैं, देखिए धीमी आंच है, अब इसे धीमी आंच पे पकाने देते हैं। आमले उबल चुके हैं, उसमें हम डालेंगे चीनी, डालेंगे चीनी डाल दी है, अब ढक देते हैं, देखते हैं कैसा हो गया हमारे आमले पके या नहीं पके। देखिए हमारे आमले ऐसे हो चुके हैं, तो अभी हाथों हाथ तो ऐसे होंगे नहीं,
तो ये जब रख के अगले दिन होते हैं रेडी, तो हम आप जैसे भी हैं आपको बाउल में निकाल के दिखाएंगे। अभी और पकने देते हैं, देखिए कैसे हैं आमले। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे आमले कुछ ऐसे पके हैं। हेलो 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 हेलो, तो अब देखते हैं बाउल में निकाल के हमारे मुरब्बा कैसे बना है। तो अभी ये फिलहाल तो अभी ऐसे होगा क्योंकि हट वाता जी ये जब रखा रहता है ना तो बाद में अच्छा होता है। तो हम अभी फ्रेश जो है तो हर पकवान वो आपको दिखाते हैं हमारा आंवला का मुरब्बा कैसा बना है। तो हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं, देखिए। हम अभी सब बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये भी ऐसे रहेगा क्योंकि हाथों हाथ है, फिर धीरे से जब चाशनी में रखा रहेगा तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा सुबह तक। अभी जरा हाथों हाथ फ्रेश है तो हम इसे बाउल में निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। तो हमने आपको देखिए हमारा कुछ मुरब्बा ऐसा बना है। तो देखिए हमने थोड़ा सा बाउल में निकाल लिया है, देखिए मुरब्बा हमारा कुछ ऐसा बना है। हमने चाशनी सहित निकाला है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा मुरब्बा कुछ ऐसा बना है, देखिए आपको दिखाते हैं। गर्म है अभी जरा। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अभी हाथों हाथ फ्रेश है तो इसलिए भी ऐसा है, सुबह तक बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए हमारा फ्रेश आंवला का मुरब्बा। तो नीचे तो ये देखिए हमारा आंवला क्या है, आंवले का मुरब्बा बनकर रेडी है। देखिए हमारे आंवले का मुरब्बा बनकर रेडी है। ये अपनी हाइट तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना हमारा आंवले का मुरब्बा कैसा बना है। हम सिंपल और सरल रेसिपी बनाते हैं तो प्लीज बताना जरूर। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, ऐसे ही हम लाते रहेंगे, प्लीज हमें सपोर्ट करें। देखिए करीब से देखिए कैसा बना है आंवले का मुरब्बा। तो प्लीज हम लेते हैं अलविदा, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।